हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का वीडियो जो है, आज ऑलरेडी मैंने वीडियो भी पोस्ट कर दिया है और अभी मुझे टाइम मिला कि मैं शूट कर पाऊँ। सो आई एम हियर विथ इन फ्रंट ऑफ यू गाइस टू जस्ट सपोर्ट द कोमल। आप सबको पता ही होगा, मतलब सबको अब तक सारे यूट्यूब पे खबर फैल चुकी है कि कोमल का चैनल टर्मिनेट हो चुका है, जो कि बहुत 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 ज़्यादा बुरी बात है। क्योंकि मैं भी उसकी सब्सक्राइबर काफ़ी अरसे से हूँ एंड मैं उसके वीडियो रेगुलर देखती थी। मतलब मेरे नोटिफिकेशन आता था मुझे, सो नोटिफिकेशन जैसे ही आता था, मैं ट्रेन में रहूँ या किधर भी रहूँ, मैं उसकी वीडियो मिस नहीं करती थी। बिकॉज वो बहुत ही सिंपल, जेन्युइन एंड सिंपल या बोल्ड टाइप की लड़की है। उससे कनेक्ट होने में बहुत कम वक्त में कनेक्ट हो जाते हैं, लाइक ऐसे लगता है कि कोई अपना ही अपने से बात कर रहा है। सो शी इज़ लाइक दैट एंड एवरी वन नोज दैट। मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम है, पर पता नहीं मेरे कितने पहुंच पाएगा ये वीडियो कितने लोगों के पास। बट स्टिल मैं एक मेरी कोशिश करना चाहती थी कि मैं भी अपना उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन करूँ, कि लोगों को पता चले कि बिना वजह यूट्यूब ने कोमल का चैनल टर्मिनेट कर दिया, जो कि बहुत 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 ज़्यादा बुरी बात है। इससे किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए। मेरे इतने कम सब्सक्राइबर है, मैंने मैं रेगुलरली वीडियोज़ भी अपलोड नहीं करती हूँ, बट फिर भी अगर मेरे साथ ऐसा हो जाएगा तो आई विल बी कि क्या हो गया है। क्योंकि मैं जानती हूँ एक वीडियो बनाने में, एक वीडियो एडिट करने में, एक वीडियो एडिट करके आप पब्लिश करने में कितना टाइम जाता है, और वो भी अपने रोज़ के कामों से वक्त निकाल के ये सब करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड वो जॉब भी करती है एंड उसके साथ ये सब मैनेज करना और रेगुलरली वीडियोज़ भी वो काफ़ी रेगुलर थी अपने चैनल को लेके, और काफ़ी सीरियस ऑब्वियसली बिकॉज वो रेगुलरली अपलोड करती थी वीडियोस। एंड अभी तो उनकी ग्रोथ, चैनल की ग्रोथ माशाल्लाह बहुत अच्छी हो रही थी, बट फिर भी पता नहीं क्या हो गया, किसी ने उनके फेक वीडियोस एंड ऑल, उनके जो ओरिजिनल कंटेंट वाला वीडियो है वो किसी और चैनल पे भी दिखाई देने लग गए। सो शायद वो वजह हो सकती है, बट पता नहीं, कुछ कन्फर्म बताया ही नहीं यूट्यूब ने। तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना, कि मतलब आप लोग इतनी मेहनत करते हो, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं। मेरा तो छोड़ ही दो, मैं रेगुलर नहीं रहती हूँ, बट फिर भी मेरे लिए भी मेरा चैनल बहुत मायने रखता है, क्योंकि वो मेरा एक वर्ल्ड है जहाँ पे मैं अपने दिल से कुछ कर सकती हूँ, जो मुझे आता है वो लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ, आप लोगों से सबसे बातें कर सकती हूँ। मतलब ये कैमरे के साथ बात करना मोर ईजी देन टॉकिंग टू पीपल समटाइम्स, क्योंकि पता नहीं कैमरा आपको अंडरस्टैंड करता है, लोग अंडरस्टैंड करेंगे नहीं ये बता नहीं सकते, बट ये अपना छोटा सा वर्ल्ड होता है और अचानक कोई वो वर्ल्ड पूरा छीन ले तो कैसा लगेगा, आई कैन फील दैट। सो आई मे बी द लास्ट पर्सन हु इज शेयरिंग दिस न्यूज़ विथ यू, बट स्टिल आई वॉन्टेड टू डू सो। बट मैं ये वीडियो के साथ उनका एक इंस्टाग्राम पे जो मैसेज था, मैंने उनसे वो वीडियो लिया है, वो वीडियो मैं इसमें अटैच कर दूंगी, कि आई नो शी विल बी कमिंग बैक सो सून। और मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब ऐसे करेगा, शायद कुछ दिन ऑब्जर्वेशन में रख के वो चैनल फिर से आ जाएगा, ऐसे पता नहीं मुझे अंदर से लगता है। सो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। वो इंस्टाग्राम वाला वीडियो भी मैं अपने इस वीडियो में एंड में ऐड कर दूंगी, सो वो भी प्लीज़ देखना। एंड प्लीज़ उस कोमल को सपोर्ट कीजिए, जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं। मुझे पता है 5 लोग देखेंगे, 50 लोग देखेंगे, आप अगर उसके सब्सक्राइबर भी नहीं हो तो भी प्लीज़ उनको सपोर्ट कीजिए। आप अगर ट्विटर पे हो तो #YTCreator एंड @KomalGudan एंड वट हर सरनेम, मतलब मुझे सरनेम उनका प्रोनाउंस करने में नहीं पता है, बट वो है। और जो इंस्टाग्राम पे नहीं है, वो इंस्टाग्राम की वीडियो उनके लिए मैं इधर पोस्ट कर रही हूँ, सो आप प्लीज़ आप लोग देखिए वो वीडियो एंड प्लीज़ ट्विटर पे जाके उनको सपोर्ट कीजिए, ताकि यूट्यूब कहीं ना कहीं तो यूट्यूब वाले लोग वो देखें। पर पता नहीं यार, वो एवरीडे अभी इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन आती है और लाइव आती है, और आप उधर जाके उनको फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे। बट ऐसा किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए गाइज। एज ए ह्यूमन बींग मैं सोचती हूँ कि ये बहुत गलत बात है, क्योंकि उनका चैनल अभी इतने अच्छे से ग्रो हो रहा था, पता नहीं किसकी नज़र लग गई या क्या हो गया। कभी कभी ऐसे लगता है, मैं इन बातों में बिलीव नहीं करती कि नज़र लगना एंड ऑल, बट कभी कभी
बिलीव करने को दिल करता है कि सच में ऐसा हो सकता है. मतलब मैंने भी सपने में नहीं सोचा था. आज भी मैं जब मेरे सब्सक्रिप्शंस पे जाती हूँ और वहाँ पे क्लिक करती हूँ सुपर स्टाइल टिप्स, वहाँ पे आता है कि दिस चैनल इज़ नो मोर. सो मुझे इतना अंदर से फील होता है कि लाइक वो बंदी लिटरली बहुत मेहनत करती थी. अभी उनके एक रिसेंट वीडियो में मैंने देखा कि उनको प्रॉपरली स्लीप नहीं मिल रही थी. उनके डैड भी उनसे नाराज़ थे कि स्लीप तुम सोती नहीं हो, इसके वजह से वो उनके रूम में जाके सो रहे थे कि मतलब कोमल अच्छे से सो जाए, वीडियो ना बनाते बैठे रात में एंड ऑल. सो इतनी वो बंदी मेहनत कर रही थी और क्यों मतलब ऐसा, ये बहुत सड़न था और बहुत ही बुरा था. सो प्लीज़ उनको सपोर्ट कीजिए. आगे जो मैं वीडियो डालने वाली हूँ वो प्लीज़ अच्छे से देखिए. उनको जाके इंस्टाग्राम के हैंडल पे उनको फॉलो कीजिए. वहाँ पे वो हमेशा लाइव आएगी और बताएगी. और हाँ, अगर नहीं हो पाया वो चैनल, ऐसा तो ना हो वो चैनल वापस आ ही जाए, पर अगर नहीं हो पा रहा है तो आई विश कि वो न्यू चैनल के साथ आए. और वो आने ही वाली है अगर वो चैनल फिर से नहीं मिलता है. बट पहले तो मैं प्रे करूँगी कि वही चैनल फिर से मिल जाए, क्योंकि किसी की मेहनत इतना जो हार्डवर्क है वो इतना ईजीली नहीं जाना चाहिए. सो अगर नहीं भी आता है तो न्यू चैनल के साथ वो वापस आएंगी और फिर से वो क्या बोलते हैं ना, भौकाल मचा देगी. और हाँ, मैं एक बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि मेरा जो इंस्टाग्राम स्टोर है बजट ब्यूटी स्टोर, वो उनके वीडियो करने के बाद ही, उन्होंने शॉपिंग की मेरे स्टोर से और उनके वीडियो बनाने के बाद ही वो इतना ग्रो होने लगा कि आई कैन नॉट, मतलब आई कुडंट हैंडल दोज ऑर्डर्स कि इतने जल्दी 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 हाई. मतलब लोग इतना भरोसा करते हैं उनके ऊपर एंड ऑल. सो मैं तो बहुत थैंकफुल हूँ दिल से कि कोमल ने मेरे लिए वो वीडियो किया. और आज हम लोग अच्छे फ्रेंड्स भी हैं, हम लोग बात भी करते हैं. बट आई रियली फील कि ये नहीं होना चाहिए था. सो आई जस्ट वॉन्टेड टू पुट आउट दिस वीडियो टू सपोर्ट कोमल. एंड उनका जो वीडियो है जिसमें वो खुद बात करी, वो भी मैं इसमें डाल दूंगी. सो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइज. एंड उनका जो इंस्टाग्राम हैंडल है उसका भी लिंक या नाम मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. सो प्लीज़ गो एंड सपोर्ट हर. शी इज़ वेरी स्वीट, सिंपल एंड सिंपल येट बोल्ड. मेरे पास वही वर्ड है उनके लिए. और आई होप कि वो जो भौकाल है वो फिर से आ जाए. सो अभी सब लोग यही बोल रहे हैं कि कोमल का ऐसा हुआ, कोमल का ऐसा. आई जस्ट वॉन्ट टू टेल हर, कोमल अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो डोंट वरी एट ऑल, कुछ भी नहीं होने वाला. आपका चैनल जैसे भी है वैसे आ जाएगा. ये समझ लो कि आपको थोड़ा सा ब्रेक मिला है आपके बिजी शेड्यूल से. इन्जॉय करो ये टाइम, आपका चैनल आएगा. और नहीं भी आया तो आप नया बनाओ और भौकाल मचा दो. सो आप अगर ये देख रहे हो तो मैं आपको मतलब सबके से ऐसा नहीं यार अच्छा नहीं हुआ, आपका चैनल चला गया एंड ऑल, ये सब नहीं बोलना चाहती. मैं सब बोलना चाहती हूँ कि बी पॉजिटिव, सब हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा. सो जस्ट इन्जॉय दिस टाइम. एंड फिर बाद में तो आपको बिजी होना ही है राइट, चाहे वो पुराना चैनल हो या नया. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज. सो लास्ट लाइन यही है कि प्लीज़ सपोर्ट कोमल, क्योंकि किसी के साथ ऐसा होना ये मुझे तो एटलीस्ट मंजूर नहीं है. सो प्लीज़ सपोर्ट हर, उसका चैनल वापस आ जाए. और वो वीडियो अभी जो मैं आगे डालने वाली हूँ ज़रूर देखें. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू, बाय, टेक केयर. बहुत सारे लोग हैं जो मुझे सिर्फ YouTube पे देखते हैं और उनको बहुत परेशानी हो रही है कि दी आपका चैनल नहीं मिल रहा है या मतलब कहाँ है. मैं वीडियोस देख रही हूँ, उनके नीचे कमेंट्स देख रही हूँ. एंड मैं सिर्फ एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ कि देखिए सुपर स्टाइल टिप्स, मैंने सिर्फ एक चैनल बनाया था, उसको 72,000 लोगों की फैमिली आप लोगों ने बनाया है, ठीक है. अब देखिए फैमिली होती है, हर किसी की फैमिली में दिक्कतें आती हैं, लेकिन अपने तो अपने होते हैं, है ना. सो भूलिएगा नहीं, आई विल बी बैक वेरी वेरी सून, यू नो. मैं बस कोशिश कर रही हूँ जी तोड़ और कमर तोड़ पलंग तोड़, सारी कोशिशें चल रही हैं. अभी बहुत जल्दी से जल्दी मैं आऊँगी एंड मचाएंगे, अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, भौकाल मचाएंगे बहुत जल्दी. एंड या तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, इस मैसेज को इतना स्प्रेड करिएगा कि हर सुपर कोमल के फैन तक ये पहुँचे कि यस शी विल बी बैक विद अ